मेरा टैलेंट देखा और आज शायद मैं आप लोग के सामने हूँ, शायद वो संघर्ष मैं भूल गई हूँ जो तकलीफ था, बट हाँ मैंने मेहनत किया है। अपनी पहचान अपनी भोजपुरी तक ही क्यों बना के रखी, इससे आगे बॉलीवुड में भी जा सकते हैं आप, या इसी में आपको अच्छा लगता है, या प्रेम हो गया है लोगों से, क्या कहना चाहिए? मैं जाना नहीं चाहते आप? ये चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगी, मैं सिर्फ भोजपुरी में नहीं हूँ, मैंने बंगाली किया है मूवी, ओरिया किया है, पंजाबी, राजस्थानी, गुजराती, मराठी और साउथ इंडिया में भी ट्राई करी हूँ। आपकी इच्छा है काम करने की? मैंने जो बड़े स्टार के साथ काम किया है वो है राजपाल यादव जी, मनोज जोशी जी और संजय मिश्रा जी, इनके साथ मैंने हिंदी फिल्म किया है बॉलीवुड का, बट आई होप आई थिंक मुझे और चांस मिले और भगवान की दया से मुझे चांस मिल ही रहा है, तो जितने में है उतने में खुश हूँ। भोजपुरी इंडस्ट्री अब छोटी नहीं रह के काफी बड़ी हो गई है जी। एक भोजपुरी कलाकार है जो बिग बॉस में पहुंचे हैं जी, क्या कहना चाहेंगे मोना लिसा के बारे में? मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ, मोना जी के साथ भी मैंने काम किया है, मैं तब असिस्टेंट हुआ करती थी जब मैंने उनको एक बार डांस सिखाया था, एंड वाकई ही मुझे नहीं, आई गेस सबको प्राउड फील हो रहा है, सिर्फ मोना जी के लिए नहीं, जो जो बिग बॉस में गए, निरोवा जी भी गए थे, सब लोग गए थे, और शायद यही लोग हैं जो हमारे इंडस्ट्री को बहुत ऊपर लेके जा रहे हैं। अपना कंपटीटर किसको मानते हैं ग्लोरी, क्योंकि इस इंडस्ट्री में गिने चुने चार पांच लोग हैं जो आइटम सॉन्ग में है, आपके कंपटीटर किसको मानते हैं, राखी, सीमा, सच कहूँ? हाँ। मैं किसी को कंपटीटर नहीं मानती, क्योंकि मैं आज भी उस लेवल पे नहीं पहुंच चुकी हूँ, जो सबसे टॉप में है वो है संभावना जी, वो मेरी आइडल है, उसके बाद है सीमा जी, वो मेरी आइडल है, और उनसे अगर बच कुछ के जो काम बच जाता है वो मुझे मिल जाता है, तो मैं उनकी कंपटीटर नहीं हूँ ना ही समझती हूँ, बट हाँ उनको फॉलो करती हूँ। थैंक यू। अरे राज, राज एक मिनट आओ ना भाई, मैडम मैडम एक सेकंड के लिए, एक सेकंड।